बसमिल्लाफान रही शुरू करते हैं वीडियो ये छोटा सा डिस्कलेमर के ये वीडियो एजुकेशन के लिए है और इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है तो आज की वीडियो का सब सब्जेक्ट ये है कि हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स जो कि बहुत अहम एंटिटीज हैं ठीक है इंडेक्स को ड्राइव करने में ठीक है और इनका इम्पैक्ट देखेंगे कि कब ये बाई करते हैं और कब सेल करते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या आता है इंडेक्स के ऊपर ना जब ये बाई सेल करते हैं तो ये बेसिकली डेटा हमने मैंने ये एस सी एस ट्रेड डॉट कॉम से लिया गया ठीक है और ये अभी मेरी जो इनिशियल रिसर्च है वो थर्टी डेज के ऊपर है जो लास्ट थर्टी डेज है मैं इसको फर्दर ये ट्रेडिंग के लिए बेसिकली जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं यूज़ हो सकती है और इसको मैं बेसिकली लार्ज स्केल पे सिक्स मंथ स्केल पे भी देखूंगा और वीकली स्केल पे भी इसको देखूंगा और ईयरली स्केल पे भी देखूंगा ये भी मेरी ना रिसर्च चल रही है तो यह आहिस्ता 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 मैं जो है ना इसको मॉडिफ मॉडिफाई करता रहूंगा लेकिन ये छोटी सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर कर रहा हूँ होपफुली आपके ये ये इंफॉर्मेटिव होगी तो पहले हमने क्या किया है पहले हमने एक डेटा लिया पिछले मतलब जुलाई तेईस से लेकर अगस्त तेईस तक का ठीक है और बैंक्स का और इंडेक्स का कंपैरिजन किया उसमें ना और उसमें अगर आप और उसके जो फ्लो है उनकी सेलिंग का और बाय का वो प्लॉट किया है मैंने इंडेक्स मूवमेंट के अगेंस्ट ना कि मूवमेंट मतलब सैंतालीस फोर्टी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड से लेकर इसका पीक जो है वो फोर्टी के करीब है तो इस पीक के दरमियन इंडेक्स रहा ये ट्वेंटी इन तीस दिनों में ना तो अगर हम देखें तो ये म्यूचुअल फंड है जो बैंक्स हैं जो जो रेड में शो हो रहे हैं और ये पर्टिकुलर डेज है जिनमें ये मैंने जिन पे ये ट्रायंगल लगी हुई है ये पर्टिकुलर डेज हैं जिन पे सेल किया या बाय किया ये ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ब्लू लाइन जो जो है वो जो, वो इंडेक्स मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है ठीक है उन पर्टिकुलर डेज में तो अच्छा अब काम की बात ये देखने की है कि मैंने ये देखा है इसमें कि अगर इंडेक्स की मूवमेंट अपसाइड है और जो बैंक्स हैं वो सेलिंग uh, साइड पे चले जाते हैं फॉर एग्जाम्पल ये जीरो अगर रेफरेंस लाइन अगर हम जीरो लेते हैं ठीक है तो देखें कि जीरो से ऊपर ऊपर मतलब बाय कर रहे हैं और जीरो से नीचे नीचे बैंक सेल कर रहे हैं तो जो इंडेक्स की हाई साइड है वहां पे ये सेलिंग साइड पे ठीक है और नंबर वन मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है मतलब अगर हम इस इस पॉइंट को देख लें तो इस पॉइंट के अगेंस्ट इंडेक्स खड़ा हुआ है ऑलमोस्ट मतलब इसके कम्पेरिजन में करेक्शन हुई है ठीक है और इंडेक्स नीचे खड़ा हुआ है ठीक है नेगेटिव में है ठीक है ना इंडेक्स इन्होंने जीरो रेफरेंस को भी अगर कंपैरिजन देख लें तो इसमें क्या किया इन्होंने जब वो नंबर uh, वन उनकी जो स्लॉट है उस स्लॉट के अगेंस्ट इनकी सेलिंग है ठीक है इस पॉइंट को अगर हम रेफरेंस लें फोर्टी को रेफरेंस लें तो इस पॉइंट पे अगर ये बाय कर रहे हैं तो इधर सेलिंग मतलब इंडेक्स जब सेल होता है तो तो जो है वो बैंक्स इन करते हैं और जैसे ही बैंक्स इन करते हैं आप देख लें कि इंडेक्स फोर्टी सेवन थाउजेंड से लेकर ऑलमोस्ट फोर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड तक गया और इन्होंने क्या किया कर दिया सेलिंग शुरू कर दी पॉइंट टू पे ये मतलब जीरो से नीचे आ गए ये ठीक है पॉइंट टू पे अप्रोच कर गया और इंडेक्स इस पॉइंट टू को अप्रोच कर गया और इन्होंने क्या किया सेलिंग शुरू कर दी सेलिंग शुरू कर दी और ये हाई साइड पे चला गया अब यहाँ से अगर नीचे पॉइंट थ्री की तरफ आए तो इंडेक्स नीचे आ रहा है ठीक है और ये स्टिल थोड़ा थोड़ा बाय कर रहे हैं ठीक है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा बाय कर रहे हैं मतलब जीरो से ऊपर तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने पॉइंट थ्री से इंडेक्स को यहाँ पे लेके गए ठीक है काम की बात नोट करने की ये है कि और के इनका ट्रेंड थोड़ा ऑपोजिट चल रहा है ठीक है और अगर हम इस पॉइंट को फोर को देख लें तो इसमें इनकी बाइंग है और यहाँ पे सेलिंग है ठीक है वो इंडेक्स नीचे की तरफ और ये अपसाइड की तरफ है पॉइंट फोर पेटी है मतलब ये बाइंग साइड में और देखें कि अगर ये लोग बाय कर रहे हैं तो अब यहाँ से इंडेक्स की पोजीशन ऊपर स्टार्ट हो गई है ठीक है और इनकी पोजीशन नीचे पॉइंट की तरफ आ गई पॉइंट फाइव की तरफ आ गई पॉइंट फाइव भी एक दूसरे के अगेंस्ट है पॉइंट फोर भी एक दूसरे के अगेंस्ट है पॉइंट थ्री भी एक दूसरे के अगेंस्ट है यह पॉइंट टू टोटल अगेंस्ट है और पॉइंट वन भी एक दूसरे के अगेंस्ट है और ये देख लें आपके जब ये बाय करते हैं तो उसमें इंडेक्स में जरूर आता है, अगले ही मोमेंट में ठीक ये ये है ये आया ये राइज आया ठीक है यहाँ पे फोर पॉइंट पे देख लें ये बाय किया इन्होंने इंडेक्स नीचे फिर रहा है इंडेक्स ये आया और इनकी सेलिंग आ गई तो कहने का मकसद ये है अगर किसी भी पर्टिकुलर डे पे अगर आपको ये पता चलाना है कि मार्केट में अगर बैंक इन हो रहे हैं तो उसका मकसद क्या है इन्होंने का ना तो क्या मतलब अगर नीचे इंडेक्स फिर रहा है फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट पे फोर्टी से नाइन हंड्रेड पे लेट इंडेक्स चला गया जो कि इंडेक्स की स्पोर्ट जोन है तो बैंक को भी देख सकते हैं कि बैंक जो है ना वो बाइंग पे है या सेलिंग पे है अगर वो बाइंग साइड पे है तो आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि इस, इस चार्ट को देखते हुए कि देयर इज समथिंग के आ, उनको पॉजिटिविटी की उम्मीद है ठीक है पॉजिटिविटी की उम्मीद और आगे अगर हम देखें इसी कोई कंटिन्यू करूं मैं अगर म्यूचुअल फंड के म्यूचुअल फंड की उस उसपे ठीक है तो म्यूचुअल फंड ने क्या जो क्या तरीका है म्यूचुअल फंड का कि म्यूचुअल फंड हमेशा ये इंडेक्स ब्लू लाइन है और ग्रे लाइन जो है वो इंडेक् म्यूचुअल फंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ट्राइंगल इनके पर्टिकुलर डेज तो इंडेक्स क्या करते म्यूचुअल फंड क्या करते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है अगर लेट्स सपोज इसको मैं जीरो स्केल पे ले जाऊं ये वाली जो म्यूचुअल फंड के ऊपर जो माइनस वन और वन के दरमियान जीरो ठीक है इस जीरो को मैं रेफरेंस ले और इंडेक्स का रेफरेंस तो आप ये देखें कि जैसे ही इनका ट्रेंड मतलब बाइंग स्टार्ट होती है इंडेक्स ही नो डाउट सेलिंग स्टार्ट होती है लेकिन पॉइंट नोट करने का ये है कि ये जब इन होते हैं तो मार्केट में एक सडन पीक आती है ठीक है एक सडन पीक आती है और उसके बाद मार्केट जो है वो ये अगले ही दिन सेलिंग पे भी चले जाते हैं तो इनके ट्रेंड को फॉलो कर रही है इंडेक्स ना मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो बाई साइड तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट वन से पॉइंट टू तक भी इनकी इंडेक्स हाई साइड पे अब यहाँ से ये यह वन से लेकर टू तक अगर सेलिंग साइड पे आता है तो ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर कुछ दिनों बाद मतलब एक दो दिनों बाद ही कुछ बिहेवियर इसी का ही सेम आता है इस बिहेवियर इस को देख लें और इस बिहेवियर को देख लें ऑलमोस्ट सेम ठीक है और अगर इंडेक्स की म्यूचुअल तो फंड की ये बाइंग 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 लेट सपोज ये है वन पे है, तो इंडेक्स फॉर शॉर्ट क्योंकि ये प्रॉफिट टेकिंग के लिए आते हैं जब भी इनका होता है तो, तो मार्केट में एकदम बूम भी आता है और प्रॉफिट टेकिंग भी आती है उस कुछ ही दिनों बाद प्रॉफिट टेकिंग आती है ठीक है लेकिन बैंक साहब को ये बता रहा है कि जब आप गिरेंगे ठीक है तो आप गिर की, स्पोर्ट जोन पे आप बैंक को देख सकते हैं कि उन्होंने बाइंग की, अगर बाइंग उन्होंने बाइंग बाइंग अगर शदीद कर दी है तो उसका मतलब ये है कि इंडेक्स थोड़ा बहुत बैक होने की उम्मीद आ गया है ठीक है तो इस पॉइंट टू को देख लें यह भी उसके अगेंस्ट है तो इन्होंने सेलिंग की है और मार्केट अपसाइड पे है ठीक है मार्केट अपसाइड पे है अः ये टू बनता है इसका ये तो और इसके बाद इंडेक्स अगर नीचे आता है तो ये नीचे आके इन्होंने बाय किया ठीक है नो no डाउट और फौरन ही इन्होंने सेलिंग भी शुरू कर दी जैसे ही इंडेक्स ऊपर आया ठीक है जैसे ही सेलिंग शुरू की इंडेक्स ने नीचे जाना शुरू कर दिया ठीक है और उसके बाद जब इन इनकी बाइंग स्टार्ट हुई है ये जीरो से ऊपर बाइंग है इनकी तो ये जीरो से ऊपर जब बाइंग स्टार्ट हुई है तो फौरन से इन्होंने बाय स्टार्ट नहीं कर दिया ये देखिए यहाँ पे बाय की है यहाँ पे भी बाय की है ठीक है तो इंडेक्स थोड़ा नीचे आया और यहाँ से यहाँ तक इंडेक्स नीचे आया है यहां से यहां तक भी इंडेक्स नीचे आया तो फौरन इंडेक्स ऊपर नहीं आया ठीक है लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब वो गए हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब ये बाय कर लेते हैं तो उसका आफ्टर इफेक्ट आता है मतलब एक से दो दिन बाद उसका इफेक्ट आता है ठीक है तो आपने ये जेन में रखना है जब भी म्यूचुअल फंड बाय करता है तो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी आएगी कुछ दिनों बाद एक से दो दिन बाद प्रॉफिट टेकिंग उसमें लाजमी आएगी क्योंकि आज भी अगर इंडेक्स को आप देखें तो कल म्यूचुअल फंड उसके अंदर इन थे और ब्रोकर इन थे और दोनों की दोनों ने आज सेलिंग की है ठीक है अभी फिबिली भी डेटा आया नहीं है लेकिन लगता ही है, है कि उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की हो। तो जो है तो अगले दो एक दो दिनों में ब्रोकर के साथ बन गया तो मेरे ओपिनियन में वो प्रॉफिट टेकिंग आती है उसमें ना और आगे देख लेते हैं उसको इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी मोस्ट स्मार्टेस्ट प्लेयर मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ठीक है अब इसमें है जिसको क्यों कह रहा हूँ क्यों क्योंकि जब मार्केट तीस हजार के लगभग पे रही थी इकतीस से बत्तीस हजार के इंडेक्स फिर रहा था तो इंडेक्स तो जो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा बाय 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 साइड 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 रह रही थी बाय साइड हम लोग उस टाइम ये समझ रहे थे कि यार ये क्यों बाय कर रहे हैं ये लॉस है इनको क्या है लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की होती है इन लोगों ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की होती है तो इंश्योरेंस कंपनीज हमेशा उस वक्त माल उठाती हैं जब इंडेक्स ज्यादा काम खराब कर चुका होता है ठीक है और आप अगर देखने पॉइंट वन को ये इंश्योरेंस कंपनी ये सेलिंग है एक्सट्रीम सेलिंग है यहाँ पे ना इसकी मतलब जीरो से बहुत ज्यादा नीचे एक्सट्रीम सेलिंग में वो इंडेक्स ऊपर फिर रहा है और ये लोग सेल कर रहे हैं टका सेल कर रहे हैं ठीक है अब इन्होंने क्या किया इन्होंने आहिस्ता 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 बाई किया इंडेक्स नीचे जाना शुरू कर रहा है ठीक है जब ये पॉइंट वन को अप्रोच कर रहा है तो ये अपने पॉइंट टू को अप्रोच कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे इन्होंने बाय शुरू कर दी है ठीक है मतलब इंडेक्स ऑलमोस्ट फोर्टी सेवन थाउजेंड के करीब आ गए बाय साइड शुरू कर दी यहाँ से फॉरन उन्होंने शूट मारा है इंडेक्स में थीके? तो इन्होंने इसके बाद इन्होंने हल्की 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 सेलिंग स्टार्ट कर दी है और यहां से लेकर यहां तक ठीक है मतलब दसवें दिन से लेकर बीसवें दिन तक इन्होंने कोई बाय नहीं किया इन्होंने जस्ट सेलिंग किया ठीक है सेल करते रहे सेल करते रहे इंडेक्स जाता रहा, सेल करते रहे सेल करते रहे ठीक है यहाँ आया यह तब भी सेल कर रहे हैं कोई नहीं किया इस जोन में जब है। बाय करना था इन्होंने यहाँ बाय किया जब ये इस यहां पे आया और उसके बाद माल उठाने के बाद क्योंकि पिछली भी सारी बात है इनके पास बाइंग पड़ी होगी तो कहने का मकसद ये है कि और इस दौरान इन्होंने सिर्फ बाइंग अच्छी की है दो दूसरे पॉइंट पे है इस जोन में इन्होंने बाइंग किया है जीरो से ऊपर और ये सिर्फ एक जोन एक जोन एक पॉइंट ही है जिसपे बाइंग की तो ओवरऑल इन्होंने चार पांच दिन बाइंग की बाकी सारा दिन सेलिंग की बाकी सारे दिनों में सेलिंग की है। तो ये, ये ये उस मौके की तलाश में रहते हैं कि हमें वो पॉइंट मिले कि जहां से हमें लॉस ना तो ये बहुत क्लेवर ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस इस को मैं कंक्लूड इस तरह करता हूँ कि बैंक आपको देते हैं बैंक अगर मार्केट में इन हो रहे हैं मेरे मुताबिक उसका मतलब ये है कि अगर मार्केट स्पोर्ट जोन में फिर रही है और इन हो रहे हैं तो इसका मतलब है है कि इंडेक्स जो है वो स्पोर्ट जोन में आ चुका है और अगले ही दिन या कुछ दिनों में वो अपने बैक लाजमी लेगा ठीक है मतलब रेंज बाउंड सिचुएशन भी हो सकती है कुछ भी हो सकता है तो इसका मतलब ही और म्यूचुअल फंड का मतलब ये है कि वो जस्ट अपनी प्रॉफिट टेकिंग करने आते हैं एक दो तो दिन बाद इंडेक्स ऊपर जाता है प्रॉफिट टेकिंग करते हैं इंडेक्स को दोबारा नीचे लेके आते हैं ठीक है जबकि इंश्योरेंस कंपनीज जब मार्केट इंतहाई खराब हो जाती है जब मतलब के स्पोर्ट जोन मतलब टोटल तो स्पोर्ट जोन फिर रहा होता है तो उस टाइम ये इन होते हैं और अपनी जो है ना उसके बाद सेलिंग कौन से कुछ कुछ दिनों में थोड़ी थोड़ी करके सेलिंग करते रहते हैं तो मेरे लिहाज से ये तीन तीन उसका व्यू था और ये शॉर्ट टर्म व्यू है थर्टी डेज का व्यू है ठीक है इसको इसको हम थोड़ा मैं इसको थोड़ा वीकली बेसिस पे भी और सिक्स मंथ के बेसिस पे भी देखेंगे और उससे फिर ज्यादा कंफर्म हो जाएंगी चीजें कि अच्छा वाकई ही चीजें इस तरह मूव करती हैं तो इन शाह तला मैं आपके साथ ये रिपोर्टें शेयर करता हूँ और इसको चैनल को होपफुली आपको ये थोड़ा क्लियर कर जाएगी थोड़ी सिचुएशन इसको अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच